महापर्व छठ में आप तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। ये सबसे बड़ा बिहार का महापर्व माना जाता है। जय हो छठी। हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, नवरात्रि एंड विथ चैती छठ पूजा महापर्व चल रहा है, तो मैं आप लोग को मैं आज दिखाऊंगा घाट पे जाके, मतलब कि आज छठ का सांबल अर्घ होता है, तो आज वो है, तो मैं आपको मैं दिखाता हूँ मतलब घाट पे जाके कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। मैं आप लोग को बता दूँ तो ये जो चैती छठ है, मतलब कि इसका एक कहते हैं ना, इसका फीलिंग ही कुछ अलग है। मैं आप लोग को मैं घाट पे जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, कैसे अर्घ देते हैं लोग, क्या होता है, ठीक है। यहाँ तो ब्लॉग बने रहे भाई। तो सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, ठीक है। नहाने के बाद फिर मैं अच्छे मतलब कि कुर्ता पहनने वाला हूँ आज, एंड फिर पहन के निकलेंगे घाट की ओर, ठीक है। हाँ भाई, तो मैं यहाँ पे रेडियो के आ चुका हूँ घाट पे। मैं आपको घाट का नज़ारा दिखाता हूँ। घाट पूरा भरा हुआ रहता है, रुको मैं दिखाता हूँ। हाँ भाई, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है। ये तो कुछ भी नहीं, आप लोग जब कार्तिक वाला छठ देखोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा भीड़। हम देखें यहाँ पे कुछ लोग ना समझ तो पर दिमाग नहीं पड़ रहा, 300 को यहाँ पे धूल पड़ रहा है। लोग वो लोग अर्घ देते रहती है, जैसे आप लोग देख सकते हैं भी यहाँ पे। इस महापर्व छठ में आप तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। ये सबसे बड़ा बिहार का महापर्व माना जाता है। जय हो छठी मैया। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, जो मतलब चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये तो कुछ भी नहीं, जब हम लोग का जो कार्तिक जो छठ होता है ना, उस टाइम तो आप देखोगे ना, तो मतलब पूरा भीड़ ही भीड़, मतलब कि एक भी जगह ऐसा नहीं होता जहाँ पे आप लोग खड़ा हो पाओगे, ठीक है। एंड इससे ज़्यादा भीड़ तो आपको कल दिखाऊंगा, कल सुबह में जो घोड़वाल अलग होता है ना उस टाइम। हाँ भाई, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मतलब कि अब सूरज जैसे ढल रहे वैसे वैसे लोग वापस जा रहे हैं अर्घ देके, ठीक है। तो ये तो अभी कुछ नहीं, कल सुबह में जो भीड़ हो, कल सुबह का जो हम लोग में एक्साइटमेंट होता है, वो मैं आपको सुबह में दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग अर्घ देते हुए। मतलब आप लोग मैं एक बात बता, मतलब हर लोग उगते हुए सूरज की उपासना करते हैं, बट हम लोग बिहारी ऐसे हैं कि चाहे वो उगता सूरज हो या डूबता सूरज हो, हम लोग दोनों की उपासना करते हैं। एंड हमारा भी शाम का जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे घाट के चारों तरफ, जैसे आप देख सकते हैं बाहर में लोग यहाँ पे अपने अपने दुकान लगाए हुए रहते हैं, मतलब बस ये छठ के लिए है। छठ का जो 3-4 दिन होता है उसी में ये लोग अपना दुकान लगाते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब सभी लोग अब अपनी अपनी घर की ओर जा रहे हैं, मतलब कि अभी तो हो गया है, बट कल सुबह में जो अर्घ होता है, उन लोग के लिए भी घर पे जाके प्रसादे बनती हैं, ठेकुआ और सब भी बहुत सारी चीज़। तो ये जो पर्व का महत्व है, मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ कितना बड़ा पर्व है ये हमारे बिहार में। यही खूबसूरती है, देख रहे हैं जो कि बिहार में सबसे धूमधाम से। हाँ भाई, तुम लोग यहाँ पार्किंग पे आ गए अपने गाड़ी के लेने के लिए। देखिए मेरा दोस्त पागल गाड़ी गिरा दिया।
और गाइस तो हम लोग जाते जाते सोचे यहाँ पे गोलगप्पा खा लेते हैं। यहाँ पे मेरा दोस्त, इसका तीन दांत नकली है, दांत खाने पड़े। इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप जोन। इंग्लिश कुछ बोल दो, इंग्लिश से बोल दो कुछ, बोलो कुछ। ये क्या, कैसे बनता है? I don't know about this, how it is made. I'm just, this is too tasty. हाँ गाइस, तो यहाँ पे धूल के कारण यार पूरा बालू बालू हो चुका चारों तरफ, देख सकते हो आप। हम लोग तो अब घर जा रहे हैं गाइस। हाँ गाइस, सुबह के 4 बज रहे एंड हम लोग अब सुबह वाले भोर वाले अरग के लिए रेडियो होने जा रहे हैं। ठीक है, रेडियो के फिर हम लोग घाट पे जाएंगे, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि सुबह का अरग कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो फिर ब्लॉग में बने रहे एंड अभी तो यार बाहर अंधेरे हो रही है। चलिए फिर रेडियो को मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैं यहाँ पे रेडी हो चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, एंड हम लोग जा रहे हैं अभी दमराई घाट, जो कि मेरे घर से थोड़ा ही बगल में है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी जो सुबह का अर्घ है वो दिखाऊंगा मैं आपको। आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है यार, लोग आते ही जा रहे हैं अर्घ देने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे अगर ये कार्तिक वाला छठ होता तो ये पूरा भरा हुआ दिखता अभी आपको। चलिए घाट पे चलते हैं। आज हम लोग घाट पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे सभी फ्रेंड। हाँ गाइस, तो हमारे लिए यही है रेगिस्तान, उजला उजला रेगिस्तान। तो हम लोग घाट पे अब धीरे धीरे जा रहे हैं आगे। घाट थोड़ा दूर है, मतलब कि गर्मी का टाइम है तो गंगा जी थोड़ा दूर हो जाती है हम लोग से। चलिए फिर, कोई नहीं, चल लेंगे। काफी भीड़ है यहाँ पे। हाँ भाई, तो हम लोग अब घाट पे आ चुके हैं, बस हम लोग अब सूर्य भगवान का उगने का वेट कर रहे हैं यार। यहाँ पे सूर्य भगवान उगेंगे फिर उनका। यार यहाँ पे सूर्य भगवान का वेट करते करते 7:30 बज चुका, बट अभी तक वो नहीं निकले हैं। शायद लगता है कि आज उनके बिना ही सब अर्घ दे के यहाँ से जाएंगे। तो वो तो उनका निकलने का टाइम 5:30 था, बट अभी तक फॉग के कारण नहीं निकल पाए। भाई तो काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे सूर्य भगवान निकल चुके, जैसे आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी इंतजार के बाद यहाँ पे हाँ गाइस, तो यहाँ सभी लोग सूर्य भगवान की वासना में सूर्य भगवान की पूजा करके, जैसे आप लोग देख सकते हैं, सब कोई अपने अपने घर जाते हुए। अब इसके बाद कार्तिक छठ का इंतजार रहेगा हम लोग को। हाँ, तो यहाँ पे से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये हाथी ऊँट, मतलब कि जो लोग होते हैं उन लोग का शौक, ऐसे किसी को हाथी लाने का शौक, किसी को कुछ करने का शौक, तो उसी तरह से गए। तो यहाँ पे हम लोग अब काफी अच्छे से यहाँ पे सब्जी हो गया, हम लोग भी अब टीका लगवा लिए हैं, एंड सूर्य भगवान को जल अर्पण करके अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर।